इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एचटीएमएल सिखाने वाला हूं। मैक्सिमम पार्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं एक ही सिटिंग में, एक ही वीडियो के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर आज एक मार्क टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, MARQUEE मार्क यू। और यहां पर मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया, फॉर एग्जांपल इसको राजीव मिश्रा YouTube चैनल। तो आप इस वीडियो को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप फिर भूल जाते हैं। तो क्विकली, और मार्क्यू को हमने क्लोज कर दिया। कंट्रोल एस सेव करते हैं और अपने पेज पर चलते हैं, जहां पर हमने इसे तैयार रखा हुआ है। सो हमारे पास फाइल है F5, ये हमारा एक्चुअल में पेज है। और यहां से एक टेक्स्ट जो है स्क्रॉल करता हुआ आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर। लेकिन इसका साइज बहुत छोटा है, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नए टैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फॉन्ट, FONT फॉन्ट। फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 10, और फॉन्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि ये पेयर टैग है, क्लोजिंग टैग है। फॉन्ट कंट्रोल एस रिफ्रेश, साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, देखिए यहां पर। और अब इसकी स्पीड बड़ी कम है, तो थोड़ा सा इसकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं। मार्क्यू में चलते हैं और यहां पर स्क्रॉल अमाउंट इक्वल्स टू 50% कर देते हैं, कंट्रोल एस F5। 50% की स्पीड से स्क्रॉल कर रहे हैं, वापस आएगा दोबारा। टेक्स्ट छोटा है और ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं कंटिन्यूस स्क्रॉल कराने के लिए। सो ये रहा, इसको कंटिन्यूस स्क्रॉल कराना चाहते हैं तो कंटेंट बढ़ा दीजिए, कॉपी एंड देन पेस्ट, क्योंकि वो बिल्कुल बराबर में आ जाएगा, क्योंकि ये स्पेस लेता नहीं है। तो उसके लिए मुझे NBSP का इस्तेमाल करना पड़ेगा, N% NBSP, कंट्रोल एस। और मैंने इसको यहाँ दे दिया, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। अब इसमें हम कलर, सॉरी मार्क्यू में चल रहे हैं, तो BG कलर इक्वल्स टू येलो कर देते हैं। कलर कोड के बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि नंबर्स में आएगा वो। तो ये स्क्रॉल करते हुए एक पट्टी चल रही है यहाँ पर खबरों के साथ में, इसको हमने तैयार किया, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करा दिया है, ठीक है। अब फॉन्ट में अगर आप टेक्स्ट का कलर चाहते हैं, तो यहाँ पर कलर इक्वल्स टू येलो पर मैंने रेड कर दिया, कंट्रोल एस रिफ्रेश, ठीक है। फॉन्ट का फेस बदल सकते हैं आप, फेस इक्वल्स टू इम्पैक्ट, कंट्रोल एस रिफ्रेश। अब ये इम्पैक्ट के फॉन्ट में चल रहा है, तो कोई भी फॉन्ट आप रख सकते हैं यहाँ पर। मार्क्यू में हमने इसका बिहेवियर चेंज किया, बिहेवियर इक्वल्स टू ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट से बेनिफिट ये होगा कि ये स्क्रॉल करेगा, टकराएगा और वापस आ जाएगा, क्योंकि अब हमने टेक्स्ट बड़ा कर दिया है, तो टेक्स्ट को हम छोटा कर देते हैं। तो यहाँ से टेक्स्ट हटा देते हैं, आपकी कंपनी का नाम, लोगो, जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ पर स्क्रॉल करता हुआ जाएगा और टकराएगा और वापस आ जाएगा, ये देखिए। तो ये इसका बिहेवियर है। स्पेलिंग आपको BEHAVIOR देना है, न कि UR, OR चलेगा। और कितनी बार ये टकराएगा वो लूप आप लगा सकते हैं, लूप इक्वल्स टू 3, मैंने लूप दिया इसको 3 टाइम्स, वेट करते हैं 1, 2, 3, डन। जब आप दोबारा रिफ्रेश करेंगे F5 से, तो ये वापस आ जाएगा
2 and then 3 dots. Now, अब हम थोड़ा सा इसके साथ में काम करते हैं कि इसका डायरेक्शन बदलते हैं. अभी तक ये लेफ्ट से आ रहा है, हम इसको राइट में ले आते हैं. राइट कंट्रोल एस F5. अब ये राइट से चल रहा है, आपने नोटिस किया F5, देखिए राइट से. ठीक है, अब इसका डायरेक्शन हम डाउन भी कर सकते हैं. डायरेक्शन डाउन, ये देखिए डाउन पे आ गया, ये है. क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है तो उसकी स्पीड की वजह से ये चल रहा है. मैं इसको लेस कर देता हूँ 20, ये 20 पर है. ठीक है, तो हम इसको आगे टेबल में भी यूज़ करने वाले हैं जिससे हमारा टेक्स्ट बढ़िया चलेगा. थोड़ा इसको और कम कर देता हूँ टेक्स्ट को, सिर्फ राजीव, कंट्रोल एस. यहाँ पर ये इस तरीके से आया, तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं. तो जैसे ये डाउन हुआ है वैसे ये अप भी चलेगा. अप, देखिए आप, और इसको टेबल में ऐड कर देंगे तो ये लंबाई में चलता रहेगा. अब आप चाहें तो टेक्स्ट की जगह पर आप एक इमेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो वही अपनी पुरानी इमेज IMGSRC इक्वल्स टू a.jpg, हाइट इक्वल्स टू 100, विड्थ इक्वल्स टू 100, कंट्रोल एस, रिफ्रेश. ये इमेज स्क्रॉल कर रही है क्योंकि इसका डायरेक्शन अप है, इसलिए डायरेक्शन हटा देंगे. कंट्रोल एस, इमेज चल रही है, स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं. तो कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी. आउटपुट एकदम बढ़िया चल रही है. डन. Thank you for watching.